व्हाट्सअप गाइस, दिस इज वाचिंग MKV टेक्निकल। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमन एक नए वीडियो के साथ फिर से आ चुका हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सअप के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर मैं अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट चैट को हाइड करना चाहता हूं। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जब भी मैं अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट चैट को हाइड कर देता हूं तो वो अनहाइड नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर मुझे ये बताइए कि मैं पासवर्ड भूल जाता हूं, कैसे रिकवर कर सकता हूं। तो इस वीडियो में आपको हम सारी चीज़ बताने वाले हैं कि कैसे आप इन सभी चीज़ों को ऑफ कर सकते हैं। तो आप वीडियो के साथ में बने रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन पर ऑल कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा न देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप चाहे GB व्हाट्सअप यूज करते हैं या फिर FM व्हाट्सअप यूज करते हैं या फिर यो व्हाट्सअप यूज करते हैं या फिर फोर्ड व्हाट्सअप यूज करते हैं या फिर NS व्हाट्सअप यूज करते हैं, आप कोई भी व्हाट्सअप यूज करते हैं तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं मैं इस समय अपने चैट को ओपन कर लिया हूं। आप जैसा कि यहां पर गैलरी में यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, किसी भी चैट को हाइड करने के लिए या फिर अनहाइड करने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रिक अपनानी होगी। आपको करना क्या है, आपको यहां पर ऊपर थ्री डॉट लाइन पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर मिल जाएगा FM मोड्स। जैसे आप यहां पर इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर नीचे चले जाना है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं तो आपको यहां पर मिल जाता है रिकवरी क्वेश्चन, आपको रिकवरी क्वेश्चन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में आपको यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा और सेकंड नंबर में आपको यहां पर आंसर। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर में कोई आप ऐसा क्वेश्चन डाल दीजिएगा जो आपको हमेशा याद रहे और आंसर में भी कोई ऐसा आंसर डालिएगा जो हमेशा आपको याद रहना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं यहां पर सिर्फ क्वेश्चन में नेम लिख देता हूं। तो यहां पर आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं और नेम लिखने के बाद फ्रेंड्स अब मैं यहां पर क्या करता हूं, अपना नाम ही लिख देता हूं। जैसे मेरा नाम अमन है तो मैं यहां पर अमन लिख देता ताकि मैं भी कभी भूले ना। तो अब यहां पर करना क्या, आपको यहां पर ओके कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर बैक हो जाना है और बैक होने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको जिस चैट को हाइड करना है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाता है हाइड चैट, आपको इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पैटर्न पिन और फिंगरप्रिंट लॉक मांगा जाएगा। आप इनमें से कोई एक लॉक लगा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं पैटर्न लॉक लगा देता हूँ। पैटर्न लॉक किस प्रकार से मैं लगा देता हूँ और लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से उस चैट को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आपको हाइड करना है। तो फिर से आपको यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट लाइन पर क्लिक कर देना होगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हाइड चैट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो चैट होगा यहाँ पर शो कर जाएगा, यानी आपको हाइड करने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना पासवर्ड वही डाल दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर डालेंगे फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो चैट होगा वो हाइड हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, बात थी ये हाइड करने की बात। अब हम बात करते हैं कैसे हम इसको अनहाइड कर सकते हैं, उस चैट को फिर से कैसे हम वापस ला सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर आपका मान लीजिए कि आपका FM व्हाट्सअप है या फिर GB व्हाट्सअप है या फिर यो व्हाट्सअप है या फिर जो भी व्हाट्सअप है, तो आप यहाँ पर ऊपर यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर लिखा हुआ व्हाट्सअप मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर देखेंगे तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर अपना वही पासवर्ड डाल देना है जो आपने पासवर्ड हाइड करते टाइम लगाया था। तो चलिए वही पासवर्ड मैं डाल देता हूँ और पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट शो करने लगेगा। अब आप इसको अनहाइड करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना है और थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अनहाइड चैट पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको वही अपना पासवर्ड डाल देना है जो आपने डाला था। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो चैट था वो अनहाइड हो चुका है। मैं बैक हो लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, आप यहां पर देख सकते हैं ये अनहाइड हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपने चैट को हाइड करने के बाद अगर भूल जाते हैं तो कैसे आप उसको रिकवर कर सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको वो भी बता देता हूं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा जो चैट था वो मैंने हाइड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर यो व्हाट्सअप यहाँ पर लिखा हुआ है मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि फ्रेंड्स आप यहां पर आपसे वही पासवर्ड मांगा जाएगा। तो मान लीजिए मुझे पासवर्ड भूल चुका हूं, मुझे पासवर्ड याद नहीं है, तो मैं यहां पर कोई पासवर्ड डालता हूं कुछ इस प्रकार से, तो मेरा चैट ओपन नहीं हो रहा है। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको फिर से पासवर्ड रिकवर करने के लिए आपको यहां पर रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको वहां पर रिकवरी क्वेश्चन मैंने वीडियो स्टार्ट करते टाइम आपको बताया था, तो वहां पर मैंने नेम डाला था और वहां पर नेम पर अपना नाम ही डाल दिया था। तो मैंने यहां पर अपना नाम डाल देता हूं। जैसे नाम डालता हूं और ओके करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये फ्रेंड्स यहाँ पर इनकरेक्ट बता रहा है। तो इनकरेक्ट बताने का रीज़न भी हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ।
आपको अपना पासवर्ड देख लेना है कि आप अपने पासवर्ड में सही डाल रहे हैं, कैपिटल लेटर डाल रहे हैं, फिर स्मॉल लेटर डाल रहे हैं, इस चीज़ को अपने ध्यान रखना होगा। तो मैं वहाँ पर कैपिटल लेटर डाला था, तो मैं यहाँ पर अमन कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर ओके करता हूँ। जैसे यहाँ पर करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको अपना फिर से यहाँ पर व्हाट्सअप पर ऊपर लेफ्ट साइड में क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पर फिर से आपका पैटर्न लॉक, पिन लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट लॉक या फिर पिन लॉक को भी कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड फिर से लगा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से नया पासवर्ड लगा देता हूँ। उसके बाद में फिर से आपको यहाँ पर व्हाट्सअप पर ऊपर क्लिक करना होगा और अपना वही पासवर्ड डाल देना जो अभी आपने डाला था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर चैट शो हो जाएगा। आप फिर से इसको अनहाइड करना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको अनहाइड कर सकते हैं। इजीली वही पासवर्ड आप अपना डाल दीजिएगा और यहाँ पर अनहाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अनहाइड हो चुका है, और यानी आपका पासवर्ड भी रिकवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं फिर सबसे अच्छी ट्रिक के बारे में। इस वीडियो में जो सबसे अच्छी ट्रिक होगी वो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी के चैट को हाइड कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे आप यहाँ पर हाइड कर देते हैं फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में व्हाट्सअप पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड मांगने लगता है। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों को ये पता हो चुका है कि आप कुछ हाइड करके यहाँ पर रखे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जब भी आप व्हाट्सअप पर ऊपर क्लिक करें यहाँ पर क्लिक ही ना हो, तो आपको एक ट्रिक करना होगा। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट लाइन पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है आपको यहाँ पर FM मोड्स पर। यहाँ पर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर चले जाना है होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चले जाना है हीडर पे। हीडर पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है, और नीचे जाने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिसेबल क्लिकिंग ऑन व्हाट्सअप। आपको इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स आपको बैक हो लेना है, और बैक होने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि जैसे ही आप यहाँ पर ऊपर व्हाट्सअप पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर आपसे कोई पासवर्ड भी नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पर आप किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पर कुछ हाइड करके रखा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि फिर से उसको अनहाइड कर सकें, फिर से यहाँ पर क्लिकिंग हो यानी आपका फिर से पासवर्ड मांगे, तो आपको करना क्या है, ऊपर थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना है और FM व्हाट्सअप पर चले जाना है। FM व्हाट्सअप पर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको होम स्क्रीन पर जाना है। होम स्क्रीन पर जाने के बाद हीडर पर जाना है, और हीडर पर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चले जाना है क्लिकिंग ऑन व्हाट्सअप। तो जैसे इसको ऑफ़ कर देंगे, तो ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पर बैक चले जाना है, और बैक जाने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आप फिर से जैसे यहाँ पर व्हाट्सअप पर ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाएगा। आप अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा, और पासवर्ड डालने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिर से सेलेक्ट कर लेना है और थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना है, और हाइड चैट कर देना है। फिर से आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, और डालने के बाद आपको बैक हो जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका चैट शो करने लगेगा। तो किस प्रकार से आप भी अपने पासवर्ड को हाइड, अनहाइड और रिकवर और सेफ भी कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद।